तो हमने देखा स्टेप नंबर वन के अंदर कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड रेंट की कैसे की जाती है। एक्सपेक्टेड रेंट की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जीएवी की कैलकुलेशन के अंदर एक्सपेक्टेड रेंट को हम शामिल करेंगे। अब हम जानते हैं स्टेप नंबर टू के अंदर एक्चुअल रेंट रियलाइज्ड की कैलकुलेशन कैसे की जाए। रिमेंबर दीज वर्ड, एक्चुअल रेंट रियलाइज्ड और रियलाइजेबल। अगर हम बात करते हैं एक्चुअल रेंट की, यानी एक्चुअली आपको कितना प्राप्त हुआ है, मान लेते हैं मिस्टर एक्स के पास में घर है और उन्होंने 3000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से इसको किराए के ऊपर उठाया, 12 महीने का किराया कितना मिला, 36,000 रुपया। उन्होंने घर दिया मिस्टर वाई को, मिस्टर वाई ने कहा कि 2 महीने का रेंट मैं नहीं दूंगा और अनरियलाइज रेंट की जो शर्तें हैं वो पूरी हो गई। नाउ द पॉइंट इज दैट कि 2 मंथ्स का रेंट नहीं मिलेगा। 2 मंथ्स का रेंट कितना हुआ बॉस, 3000 × 2 के हिसाब से 6000, यानी अगर मैं बात करूं स्टेप नंबर टू के हिसाब से 36 में से 6000 रुपीज का रेंट रियलाइज नहीं होगा, यानी रियलाइज कितना होगा, ओनली 30,000 रुपीज। दैट इज स्टेप नंबर टू की कैलकुलेशन से आया हुआ आंसर। ठीक है, मान लेते हैं कि हमने मिस्टर एक्स का जो एग्जांपल लिया था 3000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से चल रहा था, 4 मंथ्स तक 3000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से उठा और बाकी के 8 मंथ्स के लिए इन्होंने किराया बढ़ा दिया या कोई दूसरा टेनेंट रख दिया 4000 रुपीज के हिसाब से। नाउ द पॉइंट इज एक्चुअल रेंट रियलाइज कितना हुआ, अगर अनरियलाइज रेंट नहीं है तो 3, 4, 12,000 रुपीज एंड 4000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 8 मंथ्स के लिए 4, 8, 32,000 रुपीज प्राप्त हुए। 32 × 12 दैट इज 44,000 रुपीज शैल बी एक्चुअल रेंट रियलाइज। ठीक बात है, हमें क्लियर हुआ कि अगर रेंट बैफिकेटेड है या इंक्रीमेंटेड है, इन बढ़े हुए क्रम में है तो भी या घटते हुए क्रम में है तो भी एनुअल कैलकुलेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मंथली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हमारे पास में तीसरा किस्सा, 3000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से रेंट है, ठीक है साहब, लेट्स से 6 मंथ्स के लिए, लेकिन बाकी के 6 मंथ हमारा घर खाली पड़ा रहा, हमने टूलेट का बोर्ड तो लगा दिया लेकिन वेकेंट है हमारा घर 6 मंथ्स के लिए, अब क्या करें। नाउ इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन सेक्शन 22 हमें गाइड करता है कि वेकेंट पीरियड का रेंट भी क्या मान लिया जाए, जब लेट आउट था उस पीरियड के रेंट के बराबर, कैलकुलेशन पर्पस के लिए इट इज रिक्वायर्ड। नाउ द पॉइंट इज 3000 × 6 मंथ्स दैट विल बी 3000 × 6 = 18,000 एंड फॉर 6 मंथ अगेन 3000 रुपीज पर मंथ का हमें वेकेंट पीरियड का रेंट, वेकेंट पीरियड रेंट, वेकेंट पीरियड का रेंट जो है वो हम लोगों को देना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली 36,000 शैल बी एक्चुअल रेंट रियलाइज्ड और रियलाइजेबल। नाउ द पॉइंट इज स्टेप नंबर टू के अंदर हमारे पास में वेकेंट रेंट को ध्यान में रखते हुए कितनी वैल्यू आ गई है, 18 + 18 36,000 रुपीज, यानी वेकेंट पीरियड का रेंट भी लिया जाए। अब एक ट्रिकी कंडीशन, पॉइंट इज 3000 रुपीज के लिए हमारा घर उठा था लेट्स से 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स हमारा घर वेकेंट रहा, हम चाहते थे हमारा किरायेदार ज्यादा किराया पे करे और अकॉर्डिंगली हमारे सामने नया किरायेदार आया 4000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से लेट्स से 6 मंथ्स के लिए। नाउ द पॉइंट इज वेकेंट पीरियड का रेंट क्या माने, क्या 3000 माने या 4000 माने या दोनों का सिंपल एवरेज करके 3500 रुपया दें या उनका वेटेड एवरेज निकाले, ऐसा कुछ भी नहीं। क्लियर गाइडेंस हम लोगों को प्रोवाइडेड है, सीधी सी बात, वेकेंट पीरियड के अंदर कितना रेंट मिल सकता है, मैक्सिमम रेंट जो आपको अवेल हो सकता था क्या हो सकता है, दैट इज 4000 इन आवर केस। क्या मैंने 6 मंथ्स या 3 मंथ्स को कंसिडर किया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने कंसिडर किया किसको, कि हाईएस्ट रेंट जो आपको प्राप्त हुआ है दैट इज 4000 रुपीज, इतना तो वेकेंट पीरियड के हिसाब से आपको कैलकुलेशन के लिए लेना ही है, दैट इज 3000 × 3 एंड अगेन अगर हम बात करें तो 3000 नहीं, 4000 × 3 फॉर द वेकेंट पीरियड रेंट
एंड फॉर रिमेनिंग 4,000 इनटू 6 मंथ्स के लिए दैट शैल बी 9,000 एंड 12,000 एंड 24,000 दैट इज कमिंग 45,000 रुपीज ओनली। ये होगा एक्चुअल रेंट रियलाइज्ड। अगर मान लेते हैं चार जो हजार रुपए के हिसाब से मिल रहा है सिक्स मंथ्स का, इसमें दो महीने का रेंट हमें प्राप्त नहीं होता है, अनरियलाइज रेंट होता है, तो 4,000 इंटू टू मंथ्स दैट शैल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 45,000 एंड आंसर विल बी अकॉर्डिंगली चेंज्ड। नाउ द पॉइंट इज हमें पता चला वेकेंट पीरियड का रेंट भी कैलकुलेशन पर्पज के लिए एड करना है। दिमाग में एक बर्डन आनी चाहिए कि साहब वेकेंट पीरियड का रेंट, जबकि हमारा घर किराए पर उठा ही नहीं और हमने इसको शामिल कर दिया। किसको शामिल कर दिया? वेकेंट पीरियड के रेंट को एक्चुअल रेंट रिलीज में जोड़ दिया। ये तो नाइंसाफी हो गई किराएदार के नहीं, मकान मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। मकान मालिक के लिए अब एक्चुअल रेंट रिलीज का पोर्शन ज्यादा आ गया। डोंट वरी, जिस चीज को हमने एड किया उसको वापिस से डिडक्ट भी करेंगे। कैलकुलेशन अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब हमारे पास में स्टेप नंबर टू समझ में आई है एक्चुअल रेंट रियलाइज। एक क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। 3,000 रुपीज के हिसाब से हमारा घर उठाया लेट्स से 4 मंथ्स के लिए। वेकेंट पीरियड रहा लेट्स से 2 मंथ्स, वेकेंट पीरियड खाली पड़ा रहा घर। फिर हमने 4,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से अपना घर किराए पर उठाया लेट्स से 4 मंथ्स हमारे खत्म हो चुके हैं, 2 मंथ्स भी खत्म हो चुके हैं। 4 मंथ्स के लिए हमने किराए के ऊपर उठा दिया 4,000 रुपीज के हिसाब से एंड 6,000 रुपीज के हिसाब से द लास्ट 2 मंथ्स हम लोगों ने किराए पे दिए। अब वेकिंग पीरियड के लिए रेंट कितना दे? 3, 4 और 6। एज आई हैव सेड हाईएस्ट रेंट दैट हैज बीन रियलाइज 6,000 रुपीज। कितना? 6,000 रुपी के हिसाब से 2 महीने का वेकेंट पीरियड का रेंट कैलकुलेट किया जाएगा और कैलकुलेशन पर्पस के लिए एड अप किया जाएगा। तो ये टोटल कंसेप्ट है स्टेप नंबर टू, दैट इज एक्चुअल रेंट रियलाइज्ड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।